नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीतू वाणी में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विंडो जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमें लास्ट में विंडो की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से जो हमारा विंडो है वो फुल वर्जन हो जाता है, यानी कि हमें उसे बार बार रीनू नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, उसको कुछ विंडो की भी कहते हैं, प्रोडक्ट की भी कहते हैं, लाइसेंस की भी कहते हैं। तो वो जो हमें विंडो इंस्टॉल करते समय हमें चाहिए होता है, मान लीजिए विंडो इंस्टॉल करते वक्त आप उसको नहीं डालते हैं तो आपका जो विंडो है वो 30 डे का ट्रायल वर्जन बन जाती है। अब बाद में आप उसको चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास विंडो की है तो आप उसे बाद में भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट की को कंप्यूटर में किस जगह जाकर एंटर किया जाता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने विंडो अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कर रखी है और प्रोडक्ट की एंटर करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे माई कंप्यूटर, अपना ओपन कर लेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे और माई कंप्यूटर में आ जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने माई कंप्यूटर अपना ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और नीचे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और देखिए ये माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज जो है वो आ गई है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन दे रहा है, 30 डे टू एक्टिवेट, ठीक है, और एक्टिवेट नाउ, यानी कि 30 दिनों तक तो ये एक्टिवेट रहेगी। और अगर आप अभी भी एक्टिवेट करना चाहें तो तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके, इंटरनेट कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में। यहाँ से हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं विंडो की। फिलहाल अभी ट्रायल वर्जन की विंडो की इसमें डली हुई है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज प्रोडक्ट की, तो आप इस पर क्लिक करके नया की डालेंगे और ये जो विंडो है ये फुल वर्जन बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चला कि अगर आप विंडो की बाद में एंटर करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको किस जगह जाके करना होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही काम की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।